जय गोपाल, आप सभी लोग जानते हैं जब हम इंसान बीमार हो जाते हैं तो हमारे चिकित्सा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, गांव गांव में, शहर शहर में हॉस्पिटल हैं। लेकिन जब कोई गाय माता का एक्सीडेंट हो जाता है अथवा वो बीमार हो जाती हैं तो गो चिकित्सालय इतने अधिक हमारे भारतवर्ष में नहीं है, तो कई बार चिकित्सा के अभाव में गौ माताओं का देहांत हो जाता है, गौ माताएं गोलोक धाम पधार जाती हैं। इसी व्यथा से व्यथित होकर के परम पूज्य गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से उनके सानिध्य में दाता स्वामी राम गौ चिकित्सालय की स्थापना गांव कराटी में, जो कि केकड़ी डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में है, यहाँ स्थापना की गई। इस चिकित्सालय का प्रारंभ 2 वर्ष पूर्व हुआ था और अभी तक यहाँ पर लगभग 650 से अधिक गौवंश का उपचार हो चुका है। यहाँ पर आध्यात्मिक चेतनाएं जागृत रहें उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्रभु श्री राम जी का, शिव भोले बाबा का, दाता भगवान का एवं साथ ही साथ हनुमान जी महाराज जी के मंदिर का निर्माण भी किया गया था। इसी मंदिर पर कलश स्थापना का कार्यक्रम आगामी 12 तारीख को रखा गया है। आप सभी से निवेदन है कि एक बार आप सभी गोभक्त इस चिकित्सालय में ज़रूर ज़रूर पधारिए, कलश स्थापना का जो कार्यक्रम है उसमें भी आप भाग लीजिए और साथ ही साथ यहाँ पर जो गौ माताएँ हैं उनके भी आप दर्शन का लाभ ज़रूर लीजिए। और इस गौ चिकित्सालय के निर्माण में जिन जिन गौ भक्तों ने दान दिया था उन सभी के स्वागत सत्कार का कार्यक्रम भी रखा है, ताकि उनका भी बहुमान हो, उन लोगों से प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी गौ सेवा के कार्य में प्रेरित हों। तो आप सभी गौ भक्तों से निवेदन है 12 फरवरी को गांव कराटी जो केकड़ी जिले में है, आप सभी लोग ज़रूर ज़रूर इस कार्यक्रम में पधारिए और गौ सेवा का लाभ लीजिए, मंदिर के दर्शन का लाभ लीजिए। जय गौ माता, जय गोपाल।